तो और क्या हाल चाल है दोस्तों। तो इस वाली वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं मैं मोटो जी 31 स्मार्टफोन को Redmi 10 प्राइम स्मार्टफोन के साथ में। अब मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो हैं इस मोटो जी 31 को Redmi नोट 10 से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Redmi 10 प्राइम इसका ज़्यादा बेटर कंपटीटर है, क्योंकि जो Redmi नोट 10 है वो 14,000 के प्राइस पॉइंट पर एक बहुत अच्छा फोन है। तो अगर तुम्हारा बजट 14,000 है तो तुम डेफिनेटली उस फोन को आराम से बाय कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूं। अब ये जो Redmi 10 प्राइम है ये 12,500 से स्टार्ट होता है और ये जो Moto G31 है ये 13,000 से स्टार्ट होता है। तो अगर तुम्हारा बजट इसी रेंज में 12 या 13 की रेंज में तुम्हारा बजट है तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना, तुम्हें काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी टेक वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन के बारे में। अब जो Moto G31 है ये अराउंड 181 ग्राम्स का है, जबकि जो Redmi 10 प्राइम है ये 192 ग्राम्स का है। तो 10 ग्राम का अराउंड डिफरेंस है, तो हल्का सा भारी लगता है Redmi 10 प्राइम, लेकिन ओवरऑल इन हैंड फील में कहना चाहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों स्मार्टफोन्स का। दोनों में जो है प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रंट है, लेकिन Redmi 10 प्राइम में तुम्हें एक बेटर एडवांटेज मिलेगा, वो ये है इसका जो फ्रंट है ये गोला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो तुम्हें थोड़ी बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी Redmi 10 प्राइम में। लेकिन ओवरऑल इन हैंड फील दोनों का सिमिलर सही है और हल्का सा टेक्स्चर्ड बैक तुम्हें Moto G31 में देखने को मिलेगा, और इसका जो बेबी ब्लू कलर है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब कैमरा मॉड्यूल की बात है तो यहाँ पर जो बड़ा कैमरा मॉड्यूल है वो Redmi 10 प्राइम का है, लेकिन काफ़ी लोगों को छोटा कैमरा मॉड्यूल भी पसंद आता है। तो डिज़ाइन वाइज मैं दोनों को भाई एक एक पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि दोनों का ही डिज़ाइन अच्छा है अपनी अपनी जगह, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मुझे पर्सनली दोनों का डिज़ाइन अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही तुम इन फोन्स को टर्न करोगे तो यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी। जो Moto G31 है ये आता है 6.4 इंचीज की एक एमोल्ड स्क्रीन के साथ में, जबकि जो Redmi 10 प्राइम आता है 6.5 इंचीज की IPS LCD स्क्रीन के साथ में, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। तो नो डाउट यहाँ पर एमोल्ड स्क्रीन ज़्यादा बेटर कलर्स दे रही है, और जो पंचीनेस है, जो शार्पनेस है, जो सेचुरेशन है वो एमोल्ड की ज़्यादा बेटर है। डीप ब्लैक तुम्हें देखने को मिल जाएंगे एमोल्ड स्क्रीन में। और अगर तुम Redmi 10 प्राइम से कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर Moto G31 की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर नज़र आ रही है। इवन मैं यहाँ पर आउटडोर में भी लेके गया दोनों डिस्प्लेस को, और ओवरऑल जो ब्राइटनेस थी वो एमोल्ड की ज़्यादा थी, यानी कि Moto G31 की ज़्यादा थी। तो यहाँ पर Moto G31 किलर विनर है, ये एक पॉइंट बिल्कुल डिजर्व करता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो जाएंगे Moto G31 के, और 1 पॉइंट अभी Redmi 10 प्राइम का ही है। और मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर तुम्हें चूज़ करना पड़े बिटवीन IPS LCD एंड AMOLED, तो हमेशा तुम AMOLED के साथ में ही जाना, भले तुम्हें रिफ्रेश रेट कम मिले, क्योंकि ओवरऑल जो बेटर एक्सपीरियंस तुम्हें देगी वो AMOLED स्क्रीन ही देगी लॉन्ग टर्म में। बाकी दोस्तों जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो जो Moto G31 है ये आता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ में, जबकि जो Redmi 10 प्राइम है ये आता है MediaTek Helio G88 प्रोसेसर के साथ में। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों एक्जैक्टली सेम प्रोसेसर हैं, बस यहाँ पर रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है। जो G88 है ये 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जबकि G85 नहीं करता। बाकी ओवरऑल जो Cortex है, CPU, GPU सब कुछ एक्जैक्टली सिमिलर है, और जो डेली परफॉर्मेंस है वो दोनों ही फ़ोन में तुम्हें एक्जैक्टली सिमिलर मिलेगी। यहाँ पर मैंने BGMI भी प्ले करा, BGMI सेम सेटिंग्स पर दोनों फ़ोन में एक्जैक्टली सिमिलर तरीके से प्ले हो रहा था, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं था। और ओवरऑल जो डेली परफॉर्मेंस है वो दोनों फ़ोन के लगभग सिमिलर सी है। तो अगर तुम एक नॉर्मल यूज़र हो जिसको डेली टास्क करते हैं, अपने नॉर्मल काम करना होता है डेली का, तो मैं दोनों फोन में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारा काम आराम से निकलेगा। तो परफॉर्मेंस वाइज तुम दोनों में से कोई सा फोन चूज कर सकते हो, तुम्हें दोनों में सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों को एक एक पॉइंट बराबर मिलेगा। भाई दोस्तों जहाँ तक कैमरा सेटअप की बात है, तो दोनों ही फोन में जो है सिमिलर कैमरा सेटअप है, यानी कि प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। Redmi 10 प्राइम में एक लेंस ज़्यादा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। लेकिन दोस्तों अगर तुम साइड बाय साइड फोटोज देखोगे दोनों स्मार्टफोन से, तो Moto G31 की फोटोज तुम्हें ज़्यादा पसंद आएंगी। इसकी फोटो ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा बेटर कलर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है Moto G31, और ओवरऑल जो सैचुरेशन है वो थोड़ा हायर साइड पर, लेकिन ओवरऑल जो फोटोज़ की क्वालिटी है वो मुझे Redmi 10 प्राइम से ज़्यादा बेटर Moto G31 की लगी। मतलब अगर तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लग गए फोटो, तो तुम्हें यहाँ पर जो है Moto G31 की फोटो ज़्यादा बेटर लगेंगी। तो यहाँ पर कैमरा में नो डाउट मुझे यहाँ पर Moto G31 ज़्यादा बेटर लगा। और दोस्तों जहाँ तक फ्रंट की बात है, तो यहाँ पर जो Moto G31 है यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि जो Redmi 10 प्राइम है इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो अगेन यहाँ पर Moto G31 की सेल्फीज भी मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, काफ़ी सैचुरेटेड सेल्फीज क्लिक कर रहा था, काफ़ी ब्राइट फोटोज क्लिक कर रहा था यहाँ पर Moto G31। तो यहाँ पर कैमरा में मैं एक पॉइंट Moto G31 को देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जो फोटोज़ की क्वालिटी है वो Redmi 10 प्राइम से ज़्यादा बेटर है। अब दोस्तों जहाँ तक बैटरी लाइफ की बात है, तो यहाँ पर जो Moto G31 है ये आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ में, और 20W की फास्ट चार्जिंग फोन सपोर्ट करता है, और बॉक्स में ही 20W का फास्ट चार्जर है। मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया था, अगर तुमने नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। जबकि जो हमारा Redmi 10 प्राइम है ये आता है 6000 mAh की बैटरी के साथ में, और यहाँ पर आपको 22.5W का चार्जर मिलेगा, लेकिन जो फोन है ये सिर्फ 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो नो डाउट यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी बैटरी बैटरी लाइफ मिल जाएगी Redmi 10 प्राइम के साथ में अगर तुम जाओगे, लेकिन अगर तुम 90 हर्ट्ज़ पर यूज़ करोगे फोन को, तो तुम्हें लगभग सिमिलर से रिजल्ट मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में। तो अगेन यहाँ पर जो फिर से टाई है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन को एक एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 90 हर्ट्ज़ की वजह से यहाँ पर बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर सी हो जाती है, और AMOLED का जो बैटरी कंजप्शन है वो थोड़ा कम होता है LCD के कंपेरिजन में।
तो लगभग सिमिलर सी तुम्हें बैटरी लाइफ दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो रेडमी 10 प्राइम है, इसमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज अवेलेबल है, वो है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप, यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं रेडमी 10 प्राइम में, जबकि जो मोटो जी 31 है इसमें सिंगल बॉटम फाइव स्पीकर्स है। और तुम्हें साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ, पहले रेडमी 10 प्राइम की सुन लो तुम साउंड क्वालिटी। मोटो जी 31 तो यार देखो, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से थोड़ी बेटर साउंड तुम्हें मिल जाएगी Redmi 10 Prime में, और ओवरऑल जो लाउडनेस है वो भी Redmi 10 Prime की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप है। तो स्पीकर्स के मामले में भाई मैं एक पॉइंट देना चाहूँगा Redmi 10 Prime को, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर ज़्यादा बेटर है। बाकी हेडफोन जैक तो दोनों स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है ही, लेकिन यहाँ पर Redmi 10 Prime में तुम्हें IR ब्लास्टर मिल जाएगा, जो कि Xiaomi के और Redmi के सभी फोन्स में होता है। बाकी दोस्तों जहाँ तक नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात है, तो दोनों फोन में जो है तुम्हें डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, और वाईफाई स्पीड दोनों में तुम्हें सिमिलर मिल जाएगी। लेकिन Redmi 10 Prime में एक बेटर एडवांटेज है, वो ये है, Redmi 10 Prime आता है कैरियर एग्रीगेशन के साथ में, यानी कि तुम्हें ज़्यादा बेटर नेटवर्क्स मिल जाएंगे जब तुम सिम यूज़ कर रहे होगे आउटडोर्स में, जबकि जो Moto G31 है यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है कोई भी कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है। तो हल्की सी स्लाइटली बेटर कनेक्टिविटी तुम्हें Redmi 10 Prime में मिलेगी। तो यहाँ पर भाई मैं एक पॉइंट डेफिनेटली Redmi 10 Prime को देना चाहूँगा नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में। तो यार देखो, अब मैं तुम्हें अपना फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ, तुम्हें चूज़ खुद से ही करना है। तो तुम्हें एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें एमोलेड स्क्रीन हो, जिसके कैमरास काफ़ी अच्छे हों, ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा हो, तो तुम Moto G31 को आराम से ले सकते हो। 13,000 के प्राइस पॉइंट पर एक बहुत अच्छा फ़ोन है। लेकिन तुम यहाँ पर Redmi 10 Prime को भी बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और डिस्प्ले भी यहाँ पर इसकी अच्छी है, 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, और कैमरास भी डिसेंट हैं। तो दोनों ही फ़ोन अपने मुझे ठीक है, लेकिन पर्सनली अगर मुझे कोई एक फ़ोन चूज़ करना होता है इन दोनों में से, तो यहाँ पर मैं Moto G31 को चूज़ करता, क्योंकि यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन है और मैं एमोलेड को लेकर भाई ऑब्सेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर Moto G31 को चूज़ करता। बाकी फाइनल कंक्लूजन तुम्हारा ही है, तुम कौन सा चूज़ करने वाले कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।